पूर्व जन्म का पुण्य है, नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के वजह से आज संपन्न हुआ है। अपने जीवन काल में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन का दर्शन भी हुआ और आज रामलला की दर्शन भी हुआ। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने अपने अयोध्या दौरे और राम मंदिर जानकी के दर्शन के बाद कहा कि पूर्व जन्म का पुण्य है कि अपने जीवन काल में रामलला के दर्शन हुए। वहीं साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आखिरी दो चरणों में बीजेपी 400 पार कर देगी। देश के इतिहास में 4 जून को बीजेपी को सबसे बड़ी जीत हासिल होगी। पूर्व जन्म का पुण्य है, अपने जीवन काल में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन का दर्शन भी हुआ और आज रामलला की दर्शन भी हुआ। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के 500 साल के जो प्रतीक्षा थे, वो प्रतीक्षा नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के वजह से आज संपन्न हुआ है। आज बहुत अच्छा लगा राम मंदिर के दर्शन करने के बाद। आज बस्ती में भी जोरदार पदयात्रा था। बस्ती के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरीश द्विवेदी जी ने सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम यहाँ के जनता के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए किए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का एक तूफान है और उसका सबसे बड़ा लहर उत्तर प्रदेश में दिखने को मिल रहा है। आज तक जो चुनाव कंप्लीट हो चुका है उनमें से 300 भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी हैं। जो आखिरी दो चरण बचे हैं उसमें हम 400 पार कर देंगे। 4 तारीख को जब परिणाम आएगी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और देश के इतिहास में सबसे बड़ा जीत 24 के ही जीत होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अब की बार भाजपा साथ कैसे? विपक्ष के कार्यकर्ता और विपक्ष के नेता दोनों जमीन से नहीं जुड़े हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनके घर से, दफ्तर से करोड़ों करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए का कैश ईडी के रेड में मिल रहा है। जनता को, देश को धर्म के नाम पर, भाषा के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर देश के जनता को बांटने का साजिश में ये लोग निरत हैं। ऐसे घटिया विपक्ष को भारत कभी पहले नहीं देखा था। मैं मानता हूं कि 4 तारीख को जब जनता बोलेगी तब ऐसे घटिया विपक्ष को विपक्षी स्थान से भी जनता साफ कर देगी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।